Bande Guru Padadandam Bhakta Binda Samannitam Sri Chaitanya Prabhu Bande Nitta Nanda Sahoditam Sri Nanda Nanda Nangvande Radhika Charanadayam Gopijano Samayuktam Binda Banam Manohar Vancha Kalpadaru Ashakipasindu Bevachu Patitanang pavune bhavishna vibhyo namo namah Mukankaro divacha lang pangung lang haitigirim Yatki patam hang bandi paramananda madhavam Brindavai tulsi debbai piyavai keseva sacha Snabhakti vade devi sattva vattvai namo namah Narayana namaskritta naranchaiva narottamam Devin Swaraswating Vasam Tato Jayo Mudirai Sankitane Krishna Kathopadesh Gauri Apatrasya Prakasanecha Sadanurakta Guru Bhakti Yukto Bhakti Pramodaksha Jagod Baroinu Deyam Sada Paribhavagna Vavishtadoham Tithas padam siva virunchanatam saranyam Vitatiham panatapal bhavadibhutam Bande mahapurusate charanar vindam Yat pad pallavana kachandamani chataya Bispurujit kimapi gopavadu swadarshi Purnanuragara sasagara saramurti Saradhikamai kada kivam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ajanulambita bhujau kanaka badatu Sankirtanai kapitaru kamala yutakshum Vishambaru diyavaru yugadhar bapalu Bande Yagat Priyakaru Karuna Bhataru Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Bandito Dibbarupam Bhuktin Chamuktin Chadada Sinitam Bhavan Rupe Nasada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Bibushi Tobam Bhagam Narayano Priyamananga Mada Paharam Baran Sipurapati Bhajavi Shanatham Vagi Shajusha Vadane Lakshmi Rajasacha Bakshashi Yasyasti Hide Sambi Tvam Nishingam Aham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Janasya Krishna Divimukhasya Daivad
अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेहो चरन्ति नूनं भूतानि भाव्यानि जनार्दनस्य जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवाद् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेहो चरन्ति नूनं भूतानि भाव्यानि जनार्दनस्य गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभा जगत जी जगत गुरु जी ने बताए कृष्ण और कृष्ण अर्थात कृष्ण और कृष्ण भक्तों का आश्रय लेना जरूरी है। कृष्ण भगवान और कृष्ण भक्तों का आश्रय लिए बिना मंगल का कोई रास्ता ही नहीं है। मंगल कैसे हो सकता? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुरोध्वज हर वक्त बोलते रहते हैं। गुरुजी बोलते थे ब्रह्मा से लेकर चेटी तक आबिरिंचत अमंगलम, मंगल का कोई रास्ता ही नहीं। तमाम दुनिया में देखो ब्रह्मा से लेकर पुड़चेटी तक या तो स्वर्ग उद्यान में जो कुछ भी होता है स्वर्ग में मंगल का कोई रास्ता नहीं। आबिरिंचत अमंगलम मंगल का रास्ता एकमात्र कृष्ण भक्तों और कृष्ण का सहारा लिए बिना हो नहीं सकता। अब कई बार ये सब चर्चा हो चुका जब भगवत कृपा कभी आसमान से गिरता नहीं डायरेक्टली। भगवत का कृपा भगवान का स्वरूप शक्ति भगवान का जो शक्ति है भगवान का सब जो कुछ है ये सब अवतार भगवान का इसके माध्यम भगवान का जो भक्त लोग है इन भक्तों लोगों का माध्यम काल भी चर्चा हुआ था अंग्रेजी कथा में। भक्ति देवी एक व्यवस्था की है मतलब भगवान एक व्यवस्था की है। भक्ति देवी हर जगह जाती नहीं है। कहाँ जाती है क्यों जाती है अहेतु को भक्ति देवी किसी का ऊपर डिपेंडेंट नहीं है परम स्वतंत्र। तो ये सब कारण जो है काल चर्चा हुआ था अंग्रेजी कथा में। बलदाव जी महाराज का आविर्भाव तिथि है जब भी गीता प्रवचन है फिर भी बलदाव जी महाराज छोड़ के तो कोई बात ही होता नहीं कोई बात ही नहीं बनेगा कुछ ही नहीं होगा सब जीरो। शिलातीर्थ गोस्वामी महाराज जी भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज कहते थे सारे जीरो 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 कहते थे कुछ नहीं होना। गुरु का सहारा लिए बिना वैष्णव का सहारा लिए बिना बलदाव जी महाराज के बिना सारे जीरो है कुछ नहीं है कुछ नहीं मिलने वाला कितना भी भजन का बहाना बनाए। प्रभुपाद कह रहे हैं जी जो आदमी अपने को मानता है मालिक कर्ता कंट्रोलर कल भी चर्चा हुआ था प्रभुपाद कहते थे जगत का ऊपर प्रभुपाद का भाषा ही हमारा भाषा नहीं है। प्रभुपाद कहते थे जगत का ऊपर आधिपत्य विस्तार करने का विचार लेके जो जगत दर्शन है इसमें सरासर गलत दर्शन है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बंधन हो जाए। प्रभुपाद कहते थे इस जगत का ऊपर गुरु वैष्णव का ऊपर कंट्रोलिंग करना ये तो और भी गद्दारी है। जगत का ऊपर प्रभुपाद जी ने कहा इस जगत का ऊपर कंट्रोल करने का भाव लेकर विचार लेकर अगर जगत दर्शन करने जाए सबसे बड़ा मुसीबतें आएंगे सबसे बड़ा मुसीबत इससे बढ़कर बंधन नहीं है। न तथाश्च भवेत बंधो बंधश्चान्य प्रसंगतः यशित संज्ञात यथा पुंसो
तथा तत्संगी संगत यशित संग मतलब है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा को भी जोशित माना गया, सबसे बड़ा जोशित, आई बात समझने, सबसे बड़ा जोशित माना गया। जोशित मतलब जोशा, जिस वस्तु में मेरा भोग बुद्धि है वो मेरे लिए जोशित है। मतलब एक एक लड़की के लिए लड़का जोशित हो सकता, जोशित हो सकती, एक लड़की के लिए एक लड़का जोशित हो सकती, ये भाव जो है ये गौड़ीय मठ में मिलता है, दूसरा जगह नहीं है। एनी ऑब्जेक्ट आई हैव एंजॉइंग मूड इन इट, इसमें क्या होता है बंधन का कारण है ये जोशित संग। इससे बढ़कर बंधन किसी से नहीं हो सकता। वो बात कहते हैं जो अपने को मालिक समझते हैं उसका तो गया, सारे मंगल खराब हो गया, होगा ही नहीं। और गुरु वैष्णव में आवार अपराध करना शुरू कर दे, क्योंकि निताई निताई नित्यानंद प्रभु का चरण और नित्यानंद प्रभु का चरण का चरण कमल का जो वृंग है सब दास है, सेवक है। नितायर चरण सत्व, नितायर चरण सत्व तहारो सेवक नित्य, नेताय चरण सदा करो आस। गुरु छोड़ के तो कुछ होता ही नहीं। आत्मा का वृत्ति का उन्मेष, आत्मा का वृत्ति का जागरण, जागृत होना ये बड़ा जरूरी है। और शुद्ध भक्तों का संगों के बिना ये कदापि संभव नहीं। आत्मा का वृत्ति का जो जागरण है ये किसी भी हालत से संभव नहीं। एकमात्र शुद्ध भक्तों का संग निष्कपट भाव से करने से होता है। जो कपट भक्त हैं, सो कॉल्ड भक्त हैं, इन लोगों का संग करने से कुछ नहीं होने वाला, और ज्यादा बंधन ज्यादा हो सकता है। क्योंकि याद है ना, पहले भी चर्चा किया, ऐसा अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। ये धर्मध्वजी, धर्म का फ्लैग जो है हाथ में ले लिया, और धर्म का कुछ नहीं है, जीरो। आचार्य बन गया, ये बन गया, फलाना बन गया, वो तो ये तो सस्ता है, कोई बात नहीं, सब सस्ता है, ये दुनिया का सब सस्ता है। कोई भी डिजिग्नेशन दो, कोई भी पद मेरे के लिए देने के लिए आप व्यस्त हो जाओ, मैं लेने के लिए तैयार नहीं। टट्टी पेशाब का बराबर है, कोई भी पद दे दो, कुछ नहीं रखा इसमें, सारे जीरो। धर्मों का फ्लैग जो लोग ने उठा लिया हाथ में, प्रभात कह रहे हैं ये सब कपट व्यक्ति का आचरण के द्वारा बद्ध जीवों का बंधन और ज्यादा टाइट बंधन होने वाला है। जितना बंधन पहले था वो खैर छोड़ो, और ज्यादा बंधन होना है उसमें, और ज्यादा बंधन। जो गुरु से दीक्षा ले रहा है वो गुरु का बंधन शिष्य से ज्यादा है, हम कसम से बोल रहे हैं। जिससे दीक्षा ले रहा है आदमी, आम आदमी सब पागलपंथी कर रहा है, उसका जो बंधन है शिष्य का बंधन से और ज्यादा है। ऐसा हालत पैदा हो गया कलिकाल। तो कपट भक्तों का संग करने से कुछ भी करो, हरिकथा भी सुनो और जाओ, फिर मनमानी शुरू करो, बस हो गया। जैसा प्रभुपाद कहते थे ना, हम दूध भी खाएंगे और तंबाकू भी खाएंगे, दोनों खाएंगे। अरे दोनों खाने से होगा नहीं, नहीं हम दोनों खाएंगे। ठीक है खाओ, तुम्हारा मर्जी, मरो चूल्हे में जाओ, क्या करें। प्रभुपाद जी का विचार है, ये हमारा आज का दुनिया का आदमी का ये विचार है, ये भी करेंगे, अब महाराज जी की कथा भी थोड़ा सुनेंगे, और दूसरा चैनल में जाएंगे वो सब मजेदार कथा है वो भी सुनेंगे, नाटक फाटक सब है, बहुत बढ़िया, चलो चलते चलो चलते चलो, कोई बात नहीं। भगवत चरण का सेवा, सदगुरु चरण का सेवा के अलावा तमाम अमंगल का रास्ता है।
तमाम दुनिया भक्तों का भक्ति का बहाना बना के धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब प्रतिष्ठा मोक्ष ये सब कमाने में लग गया। ये भक्ति नहीं है। भक्ति बोल के जो चीज है कोई समझने का बाहर है। जड़ जगत का मेटेरियल आदमी वो समझता नहीं भक्ति क्या चीज है। ईच एंड एवरी स्टेप प्रभुपाद कह रहे हैं, हर पल पल में हर स्टेप में गुरु सेवा भगवत सेवा भगवान का सेवा का विचार आया तो यूं समझो कि मंगल आ रहा है। प्रभुपाद बार बार कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं, वास्तविक रूप से अकृत्रिम साधु का अनुसंधान करो। ट्राई टू फाइंड आउट रियल साधु। प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं एक काम करो, वास्तव साधु का अनुसंधान करो, नाटकबाजी मत करो। प्रभुपाद कहते हैं जैसे नाटक में ड्रामा में कोई रियलिटी नहीं है, ऐसे हमारा भजन में कोई रियलिटी नहीं है, फॉल्स है ना, जैसे एक्टिंग करते हैं, रियलिटी नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं सत्य सत्य वास्तविक रूप से अकृत्रिम एक पक्का साधु का अनुसंधान करो। अरे महाराज कैसे अनुसंधान करें? बल्लभ जी महाराज के चरण में प्रार्थना करो, ये बल्लभ जी महाराज का जुमा है, ये बल्लभ जी महाराज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब जितना भी भागादूरी करो कुछ होने वाला नहीं, लेकिन प्रार्थना करो बल्लभ जी महाराज के चरण में, हो सके तो बल्लभ जी महाराज की कृपा कर दे। जो बल्लभ जी महाराज दुष्टों दुर्योधन को भी कृपा करने के लिए कोशिश करता है और दुर्योधन से बढ़कर मेरे को भी कृपा करने के लिए कोशिश करता है, तो क्या तुमको कृपा नहीं करें, आपको कृपा नहीं करेंगे क्या? कर सकता। ये बल्लभ जी महाराज का महिमा है। इस बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कहा है ना, याद है ना चैतन्य चैतामृत में, जगाई मादाई होते मुहिष्य पापिष्ठ पुरुषेर कीट होते मुहिष्य लोगिष्ठ मोर नाम जयी लय तार पुण्य तार एन तार पाप है मोर नाम जयी सुने तार पुण्य क्षय एमन निघिन्न मोरे केबा किबा करे एमन निघिन्न मोरे किबा किबा करे एक नित्यानंद बलराम बिनु जगत माझे। हमारा एकमात्र सहारा है बल्लभ जी महाराज नित्यानंद, बेसहारा बन के संसार समुन्द्र में तैर रहा है, क्या करे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तव एक साधु निष्कपट साधु का अनुसंधान करो। अनुसंधान मतलब अंदर में अगर सिंसियरिटी है, रोना है, रोना धोना है अंदर में, रो रहा है साधु प्राप्ति के लिए 100% मैं कसम से बोल रहा हूँ, मेरा जिंदगी में ऐसा हुआ, मिला दिया बल्लभ जी महाराज। तो ये नहीं विश्वास करते हम कि हमारा अंदर में वास्तविक साधु संग करने की इच्छा है, पैदा हुई, नहीं साधु संग नहीं मिली तो क्या करे, ये हो ही नहीं सकता, ये कपट भाव है। हम लोगों का अंदर में अगर अंतर अंदर में अगर आलस्य है, आलस्य में आलसी, राम भजन का आलसी, भोजन का होशियार, कपट भाव रहे, अन्नाभिलाष रहे, तो कैसा कैसा साधु मिले तो हमको क्या बल्लभ जी महाराज को क्या जुमा है। अगर कोई चित्त में आलसी है, कपट है, अन्नाभिलाष से भरपूर है, तो मैं क्या करूं। प्रभुपाद कह रहे हैं जो जैसा है वैसे ही मिलेगा, कौर्मी गुरु मिलेगा, कपट गुरु मिलेगा, अंधा यथांधी रूप नियमानम तेयोपि शिक्षतंत मृदम प्रहलाद महाराज कह दी, ये अंधा गुरु मिले जो खोद देख नहीं सकता, दूसरों को क्या दिखाए, दूसरों को राह दिखाने के लिए खुद का तो आंखें चाहिए हैं? अंधेरी रातों में सुनसान राहों में क्या करे।
तो वास्तविक साधु का संधान अनुसंधान जरूरी है। आज उसी दिन है बलराज जी महाराज के चरण में विनती है, कृपा करके मेरा कपट भाव को हटाए और कृपा करने का नालायक हूँ, फिर भी बलराव जी महाराज है इसीलिए थोड़ा भरोसा है। तो बलराव जी महाराज कृष्ण होने से तो भरोसा नहीं है, बलराव जी महाराज इसीलिए भरोसा है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा अगर भाव है तो जरूर सदगुरु मिलेंगे। श्री कृष्ण संकीर्तनकारी कृष्ण प्रेष्टो सदगुरु का आश्रय लेने से चरम मंगल का रास्ता खुलता है, अगर अंतर से आश्रय ले। अहो भाग्य से ऐसा सदगुरु मिलता है। कई बार प्रभुपाद कह रहे हैं दुष्चरित्र लोगों का हरि कीर्तन भागवत कथा सुनने से नरक का रास्ता खुल जाएगा। दुष्चरित्र बाहरी दृष्टि में भक्त है, दुष्चरित्र लोगों का हरि कीर्तन भागवत पाठ हरि कथा सुनने से इसमें क्या धीरे धीरे नीचे जाएगा नरक। एकमात्र महाभागवत जो है वही भागवत का अर्थ जानता है, बाकी आदमी नहीं। चरित्रहीन करेक्टरलेस मक्कार ठगी अन्नाभिलाषी दाम्भिक, प्रभुपाद कह रहे हैं इन लोगों का मुख से हरि कथा कभी भी निकालती नहीं, हरि कथा निकालती नहीं। अगर आप सोचो कि हरि कथा सुन रहा महाराज इन लोगों का, ठीक है सुनते चल। प्रभुपाद कह रहे ये इट इज वन काइंड ऑफ बिग पॉइजन। बिना सुने इतना दिन रहा तो फिर भी अच्छा है, लेकिन फिर ये सब बदमाश का प्रभुपाद कह रहे हैं कि दुष्चरित्र व्यक्ति का कपट दाम्भिक अन्नाभिलाषी का हरि कथा सुनने से मंगल तो दूर की बात है और ज्यादातर अमंगल को बुला के लाओ, बुला के लाने का रास्ता खुल गया। अमंगल बीस पॉइजन, इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं जहां तहां हरि कथा सुनने के लिए स्विच मत दबाओ, यहां मत भगो। वास्तव कथा सुनने में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। इट इज इम्पॉसिबल टू हियर एंड बियर, इट इज रियली इम्पॉसिबल टू हियर एंड बियर। स्टिल सुनना ही पड़ेगा, दूसरा चारा नहीं है। गुरु त्यागी गुरु विमुख ये लोगों का संग जो है हर हालत में त्याग करना है, ये सब असत है। प्रभुपाद जी में पापा जी कह रहे हैं गुरु त्यागी गुरु सेवा विमुख ये सब व्यक्ति का संग जो है हर हालत में तय करना है, एट एनी कॉस्ट। ये लोग का संग करने से सर्वनाश हो जाएगा। गुरुनिष्ठ प्रभुपाद कह रहे हैं गुरुनिष्ठ भक्तों का सामने गुरुनिष्ठ व्यक्ति के सामने नामनिष्ठ व्यक्ति का हरिगुरु पाद पद में शरणागत तो होना जरूरी है। इसमें क्या होगा कृपा करो प्रभु दिया चित बल, कीर्तन में है ना कृपा करो प्रभु दिया चित बल। ये चित बल कौन दे रहा है? बलदाव जी महाराज चित बल का भंडार है, भंडारी। तो ये सब जो पक्का गुरु वैष्णव गुरुनिष्ठो नामनिष्ठो और ऐसा अगर सदगुरु वैष्णव का हरिगुरु पाद पद्म में शरणागत होने का व्यवस्था हो गया तो हृदय में जरूर ताकत आएगी, दृढ़ता बल साहस जरूर आएगी। ऐसा मापिक निष्किंचन गुरु का सामने निष्किंचन गुरु वैष्णव के सामने हरि कथा सुनने से इनका संग कथा का संग प्रभाव से बिल्कुल हृदय में भक्ति आएगा, भक्ति एकमात्र आश्रणीय। उस समय अपना मनमानी विचार खत्म हो जाएगी, सुविचार आने शुरू कर देगा।
निर्विशेष भाव, कर्म ज्ञान, योग का सहारा, ये सब बेकार 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 लगने लग जाएगा। ये सब बेकार है। इतना दिन तब इतना वैल्यूएशन, इतना इतना इज्जत दिया, सारे बेकार है। ऐसा करके बहिर्मुख जीव का उन्मुख भाव धीरे धीरे पैदा होने में समय नहीं लगेगी, धीरे 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 हो सकता। जितना सारे तत्व ज्ञान गीता में चर्चा हो गया और यहां चतुर्दश अध्याय में यहां भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, श्री भगवान वाच भगवान कह रहे हैं, जे परम भूयो प्रवक्षामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम जज ज्ञात्वा मुनयुः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गतः। जब तक तब तक ज्ञान का विचार है, वो तो बहुत हो गया, बहुत चर्चा हुआ, और फिर भी आगे चल के भगवान और एनालिटिकली व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन ये बात जरूरी है जो श्लोक देके शुरुआत किया, जनोस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय एह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। भगवान का भक्त लोग जो है इसी वास्ते डोलते रहते हैं, न जाने कौन जाएगा, कौन पड़ा हुआ है, मेटेरियल डिजीज बीमारी है, उसको हटाने के लिए जनोस्य कृष्णात् विमुखो सदैवात्, विमुख है भगवान से, विमुख है। ये लोगों को चुन चुन के भगवान का भक्तों कीपा करने के लिए अपना कोई इंटरेस्ट नहीं, नो सेल्फ इंटरेस्ट, कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। बंद कर दो हरि कथा, बंद कर दे, जा चलो तो चलो, इंटरेस्ट है भगवान का सेवा है। ऐसा करके देखा जाए भगवत भक्तों का अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है कि नाम कमाएंगे हरि कथा के, नहीं कुछ नहीं है। गुरु वैष्णव का जो हरिकथा कीर्तन का जो सेवा जो है, प्रभुपाद कह रहे हैं ये सबसे बड़ा गुलामी है। प्रभुपाद कह रहे हैं मैं अपना गुलामी निभा रहा हूँ, मेरा हरिकथा कीर्तन करना ये सबसे बड़ा गुलामी है, मैं गुरुवर्गों का गुलामी कर रहा हूँ, कोई नाम कमाने के लिए नहीं, नाम कमाने के लिए नहीं, सिर्फ सेवा, बस बलदाव जी महाराज संतुष्ट हो जाए, नित्यानंद गुरुवर्ग संतुष्ट हो जाए कि चलो कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है महाराज, चलो। जनोस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितः, जो अधर्म है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका बारे में क्या आइडिया है, किसका क्लियर कंसेप्शन है। धर्म मूलम ही विष्णु, धर्मों का तराजू इधर उधर करो तो विष्णु छोड़कर और कुछ नहीं, बाकी ये धर्म कर्म कर रहे हैं अपने को संसार बंधन में और ज्यादा डालने के लिए, दान दक्षिणा डोलो इधर उधर करो कुछ भी करो, लेकिन याद करके रखना धर्म मूलम ही विष्णु, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। जिस क्रियाक्रम में गुरु वैष्णव भगवान का जरा सा भी संतुष्टि विधान का प्रचेष्टा प्रयास प्रचेष्टा, यही धर्म है, चाहे वो बाहरी दृष्टि में जितना निंदनीय है, होल वर्ल्ड कैन क्रिटिसाइज मी बट आई एम 100% श्योर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसमें कोई शक नहीं है, कोई कपट भाव नहीं है, मैं भले बात ही जानता हूं मैं किस लिए कर रहा हूं, ये अगर पक्का है तो तमाम दुनिया मेरा मेरा चर्चा करे, कोई आता जाता नहीं, क्योंकि तमाम प्रयास प्रचेष्टा गुरु वैष्णव भगवान को संतुष्टि विधान करने का ही है और कुछ नहीं।
चाहे गीता प्रवचन हो, गीता प्रवचन सुनना हो, या तो अर्चन हो, या तो कुछ भी भिक्षा हो, कुछ भी हो, मकसद एक होनी चाहिए। श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी एक बार एक चीज बार बार कहते थे, अगर इरादा पक्का है, नेक है, अगर मैं जानता हूं किस लिए कर रहा हूं, जरा सा भी अंदर में कोई कपट भाव नहीं। महाराज जी कहते थे, अगर मकसद पक्का है जो मैं गुरु वैष्णव भगवान का लिए ही कर रहा हूं, चाहे कुछ भी करे दुनिया, तो उसमें कोई घबराने का बात नहीं है। डिवाइन हेल्प, अप्राकृत सहायो, अप्राकृत सहायता गुरु वैष्णव भगवान का आने ही वाला है, आ गया है, घबराहट का जरूरी है नहीं। भागवत का एक श्लोक है, ये जो हमने चर्चा किया, एकमात्र निश्चित रूप से अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, भगवान का निजीयन बलदाव जी महाराज का अनुचर जब भक्त लोग हैं हमारा गुरुवर्ग, इस अपना कोई इंटरेस्ट नहीं, ये बचाने के लिए आ रहे हैं, विमुख जीवों को बचाने के लिए, याद है ना, हैं? युधिष्ठिर महाराज, विदुर जी महाराज का बारे में क्या सिद्धांत की हैं? याद है ना, तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी शांतस्तेन गदाभितः भवत विदा भगवतः तीर्थी भूता स्वयं विभो। प्रभु, हे प्रभु, आप तो स्वयं ही तीर्थ है, गुरु चरण में अनंत तीर्थ विराजमान है, ये विश्वास होने से इधर उधर भागादौरी करने का कोई इच्छा ही पैदा नहीं होने। गुरु चरण में तमाम तीर्थों का अवस्थान है, ये विश्वास अगर नहीं है तो इसका भजन है, इसका दीक्षा भजन जो कुछ भी सब सारे बेकार है। गुरु वैष्णव चरण में तमाम तीर्थ है, ये स्वयं तीर्थ स्वरूप है। युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे हैं विदुर जी महाराज जी को, भगवत विदा भगवतः तीर्थ भूता स्वयं विभो। महाराज, ये बड़ा हैरान की बात है, आप भले तीर्थ करने के लिए जा रहे हो, आप तो स्वयं ही तीर्थराज हो, आप कहाँ कहाँ तीर्थ करने के लिए जाते हो? हमारा गुरुवर्गों से ये विचार आया, भले महाराज ये सब गुरु वैष्णव जो विचरण करते रहते हैं, ये तीर्थों को रिचार्ज करने के लिए, जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हो ना, ये तीर्थों, भागवत में सिर्फ शास्त्र का विचार है, हंसने का बात नहीं है, ये हंसी मजाक का बात नहीं, लिखा हुआ है शास्त्र में। जिसका पाखंडी लोग है तीर्थों का मलिन कर देते, शास्त्रों का विचार है, हम दिखा देंगे, जितना सारे पाखंडी लोग है वो तीर्थ में विरासते हैं, वर्तमान होटल खोल ले और कुछ भी नखड़ाबाजी करे और पूरा धाम का सत्यानाश करने के लिए जुटे हुए हैं, सब कोई बोलने वाला नहीं, पुलिस भी पैसा कर रहे हैं, पुलिस क्या है और डेंजरस है, पालतू पालतू पुलिस मैन, पालतू गुंडा और क्या, पुलिस नहीं होते तो और भी है, सेल्फ एडजस्टमेंट हो जाता और गलती है और ज्यादा समस्या खड़ा कर दे, क्या करे, सच्चा बात तो सच्चा कहे तो मारे लाठा, झूठा जगत बुलाए और गोरस गले गले फिरे, सूरा बैठल बिखाए, कहाँ चुल्लू बिक्री होता है वो कब याद है, वो चलो उसी गली में 7 नंबर गली में चुल्लू बिक्री होता है, वो जाएगा। दूध का बारे में क्या, कौन खाए, स्मार्ट आदमी जो है वर्तमान जो लड़का लड़की, वो दूध फूद कौन खाए, बेकार है, चाफा खाओ ठीक है, कॉफी खाओ, ऐसा विचार है। तीर्थों को पूरा एकदम, तीर्थों का जो महिमा है तो है ही है, लेकिन इसका जो पावर है इसको खराब करने में, खराब करने के लिए जुटे हुए सब, होटल कर दिया, कुछ भी कर दो, अरे वो बोलने का नहीं है, बोलने जाए तो अपना दिमाग खराब हो जाए,
और ये जो गुरु वैष्णव है ये धामों में बैठ के चर्चा कर रहा है हरि कथा कीर्तन। चलो एक आदमी अगर समझे तो फिर भी काफ़ी है, लाखों करोड़ों आदमी सुने ये तो ये हो ही नहीं सकता। दो चार आदमी सुने समझे अपना जिंदगी में ग्रहण करे तो फिर भी काफ़ी है, भगवान का आदेश है ना। जाओ जाओ नित्यानंदो, जाओ हरिदास, हरिदास चित्ता जाओ, हर घर में, घर घर में जाके बोलो कृष्ण छोड़ के कुछ नहीं बोलना, अरे कौन सुनने वाला और मेरे को रिपोर्ट देना सारा दिन का बाद। भगवान का आदेश है, वो पालन करने के लिए सब हमारा गुरुवर को लगे हुए, अपना कुछ कुछ नहीं है। तत्वज्ञान का अनुभव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तत्वज्ञानी व्यक्ति का पास सुनने से भी होगा नहीं, क्योंकि तीन कंडीशन बताया भगवान, तद्विद्धि परिपाते न परिप्रश्न सेवाय। तीन कंडीशन जब तक फुलफिल ना हो जाए कई भी हरिकथा सुन लो, थोड़ा बहुत असत्य पड़ेगा, यह आचरण है, आचरण सबसे बड़ा चीज है। आचरण इतना बड़ा चीज है कि अगर वो हरिकथा ना भी बोले, हरिकथा का ना भी बोले इट्सेल्फ इन महाजन का उपस्थिति प्रेजेंट इट्सेल्फ कैन गिव ए बिग रिएक्शन इन टू द हार्ट ऑफ। हमने खुद देखा आचरण से साधु अगर किसी सभा में पहुंच गया तो उसे घबराहट पैदा हो गया, अरे ये आ गया केशव गोस्वामी महाराज जी, अच्छा बुलाने का बाद जाते थे, बुलाया अब आओ थोड़ा, अब आने का बाद सब कोई का मुंह जो काला हो गया, अरे तो अभी आया है, अभी तो ऐसा बोलना शुरू कर दे महाराज संभाल के बोलना, अरे संभाल के क्या आया, बुलाए आप मेरे को बुलाए हों हरि कथा के लिए, संभाल के बोलने का क्या मतलब है, हम हरि कथा बोलेंगे बोलो, आई बात समझ में। तो ये जो महाजन है ये सब रोक टोक के बोलने वाला नहीं है, किसी को डरने वाला नहीं है, हरि कथा है जैसे एक प्रत्युंचा से तीर निकल गई ना तीर, वो वापस आने का कोई बात नहीं, सिद्धांत तो विचार ऐसा है, गुरु वैष्णव का सिद्धांत तो ऐसा है, जो गया तो गया, बोल दिया तो ऐसे इट्स एक वेद वाक्य है, रिटर्न आने का कोई बात ही नहीं है, चाहे जो आंदोलन शुरू करो हटा दो उसको, कुछ भी करो बॉयकट करो कुछ भी करो, कुछ कर नहीं सकता। बामन गोस्वामी महाराज कहते थे अपराकृत जगत का हरिकथा जो है, ये हरिकथा जो है इट इज नॉट सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट, प्राकृत जगत का जो विषय है लॉज एंड ऑर्डर्स जितना सारे आप इंस्टॉल किए हो समाज में दैट कैन बी रेक्टिफाइड, लेकिन अप्राकृत का जगत का जो हरिकथा कीर्तन है सिद्धांत है दैट कैन नेवर बी अमेंडेड, अमेंडमेंट का योग्य नहीं है, सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट हो नहीं सकता, ये गया तो गया हरिकथा, इच्छा है तो सुनो नहीं तो नहीं सुनो, मर्जी है। तो जितना सारे युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं ये जगत में आप जैसा महापुरुष जो है ये आप स्वयं तीर्थ का बराबर है, तीर्थ का स्वयं तीर्थीभूता, सारे तीर्थ आपका अंदर में, अब आप भले जाते हो तीर्थ करने के लिए, क्यों भले ये इसका काम है दूसरे को बचाने के लिए, रिचार्ज तीर्थ को रिचार्ज करने के लिए। और जब तक ये तीन सिद्धांत कपट भाव लेके हरिकथा सुने तो कुछ होने वाला नहीं। ये जो तद्विद्धि पुनिपाते न पुण्य प्रश्न सिवाय, प्रणिपात मतलब साष्टांग अभिमान को त्याग करके एकदम फ्लैट दंडवत, तद्विद्धि पुनिपात परिप्रश्न न, परिप्रश्न माने ये आत्ममंगल कैसे हो सकता है, इसीलिए ये प्रश्न किया गया। अभी दो घंटा तीन घंटा पहले चर्चा हो रहा था, भागवत कथा हरिकथा ऐसा है जो हरिकथा बोलते हैं जो हरिकथा के बारे में क्वेश्चन करते हैं, प्रपक्ष कहाँ प्रश्न करने वाले और उत्तर देने वाले, जो उत्तर दे रहा है, जो प्रश्न करने वाले, जो उत्तर देने वाले और जो सारे सुनने वाले हैं,
तमाम दुनिया का मंगल होना ही है, श्रोता वक्ता और जो प्रश्न किया तमाम दुनिया का मंगल हो सकता है, ये भागवत का सिद्धांत है। परिप्रश्न का मतलब आप आत्म मंगल के लिए प्रश्न किया जाए, और सेवा का बहाना जरूर, सेवा सेवा अभी तक किया नहीं कुछ, लेकिन सेवा का पॉजिटिव भाव अंदर में है फिर भी चलेगा, सेवा किया नहीं आज तक। गुरु वैष्णव का इतना एक्सरे आई है, आईज है, आंखों इतना शार्प है, वो इसका किसी का और देखने का साथ साथ पता चल जाता, इसका अंदर में ये सेवा नहीं किया आज तक, लेकिन सेवा का थोड़ा भाव है, ये कर सकता। नहीं तो प्रभुपाद अपना परिचय नहीं देते थे, ये पब्लिश हुआ ना, जो बैनर बैनर है, बैनर पब्लिश होते रहते हैं ना, उसमें दिया है। प्रभुपाद पहले देखते थे किसी के अंदर में कुछ सेवा का कोई भाव है कि नहीं, विमुख भाव अगर है प्रभुपाद उसको उसको बोका बना देते, अपना परिचय नहीं देते थे। गुरु वैष्णव भी ऐसा, अगर गुरु वैष्णव को नापने के लिए आओ, अरे देखे महाराज कितना जानता है, तो बोबा बन जाएगा, गुंगा बन जाएगा, हैं बोका बन जाएगा, इच्छा करके जा मर, मरने के लिए जा, कहाँ जाना है। जो भी है राइट सोर्स अब हरि कथा ये चुनना सिलेक्शन करना, इट्स अ वीक फैक्टर एट प्रेजेंट, भरपूर अमंगल हो रहा है, एक ही कारण भरपूर अमंगल ही मामंगल हो रहा है। सब भी कर रहा है, हरिनाम कर रहा है, टीका कर रहा है, जन्माष्टमी पर सब कर रहा है, अमंगल छूटने का कोई रास्ता नहीं। क्यों? इसीलिए हो रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है, सब हो रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, इसके कारण ये है। जो भी है, चलो कहां तक बोले, ये जो चतुर्दश अध्याय है इसमें भगवान इतना सारे तत्व ज्ञान का विचार, एनो सेकंड चैप्टर एनो दो नंबर अध्याय से लेकर आप 13th चैप्टर तक कितना क्या कुछ नहीं कह दिया, कितना सुंदर। चाहे दो नंबर चैप्टर में कितना सारे आत्म तत्व के बारे में, फिर भी भगवान डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट व्यक्ति का डिफरेंट स्टेज है, डिफरेंट व्यक्ति का डिफरेंट स्टेज ऑफ रियलाइजेशन, तो भगवान का तरफ से कोई कसूर नहीं है, वो सारे कर रहा है अपना प्रयास प्रचेष्टा। जैसे कोई भी आदमी कोई कमी है तो चलो इस बात को समझे नहीं तो इस तरफ से समझे कुछ, जैसे 13 चैप्टर में चर्चा किया ना, भगवान ने इतना सारे बोलने का बाद फिर भी वो लास्ट में अंतिम में क्या बोला, देखो मैंने और भी एक रास्ता है अर्जुन, जिस रास्ता पे कुछ जाने नहीं, कुछ जानकारी है नहीं, फिर भी गुरु वैष्णव का मुखारविंद से सुने सुने थोड़ा ठीक है चलो सुनते सुनते हैं, उसका अपना मंगल का रास्ता में बारने का कोशिश करे, चलने का कोशिश करे, भगवान कर रहे हैं एश्योरेंस दिए तो इसका भी मंगल हो सकता है। याद है ना 13 चैप्टर में, अन्य तु एवं अजानंत श्रुत्या अन्येभ्यो उपासते तेयोपि चाति तरंति एव मृत्युम श्रुति परायणः। श्रुति परायणः मतलब उपदेश श्रवण के लिए इसका अंदर में ट्रिमेंडस टेनेसिटी है, चाहत है, नकली नहीं है, अरे महाराज हरिकथा सुने, पक्का हरिकथा सुने, ये लोग का लिए भगवान कह रहे ये भी मृत्यु संसार सागर को तैर करके जा सकता है, इसका खुद का कोई जानकारी नहीं है, कोई अनपढ़ है, अरे महाराज पढ़ाई लिखाई कोई जरूरी नहीं है भगवान को प्राप्ति करने के लिए, गौरकिशोर बाबाजी महाराज का कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई नापने जाए क्या, बंशीदास बाबाजी भगवान दास बाबाजी महाराज किसका क्वालिफिकेशन क्या है, भगवान को जानने का अगर इच्छा, भगवान को जान लिया
भगवान का कृपा हो गया तो चलो क्यों हो गया। भगवान का कृपा सबसे बड़ा चीज है। जस्मिन ज्ञाते सर्वमिदम विज्ञातुम भवति, जस्मिन प्राप्ते सर्वमिदम प्राप्तुम भवति। जिस चीज को प्राप्ति करने का बाद और कुछ दूसरा चीज प्राप्ति करने का कोई इच्छा ही नहीं रह, शेष नहीं रह जाता। किसी चीज को प्राप्ति करने का शेष नहीं रह जाता, इच्छा नहीं पैदा होती। और जिस वस्तु को जानने का बाद कोई दूसरा चीज जानने का कोई इच्छा नहीं पैदा होती। ज्ञान के बारे में भी चर्चा होगा। ज्ञान तो अच्छा है, फिर भी ज्ञान डेंजरस है। ज्ञान अच्छा है, ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है, फिर भी कोई कोई आदमी के लिए ज्ञान भी खतरा हो सकता है। याद है ना पहले का चर्चा, वो सब भूल गया ना, कितना सुंदर है भगवान गीता में ही तो कहा ना, नहीं ज्ञानी न सदृशम पवित्रमी विद्वते। अर्जुन ज्ञान का मापिक पवित्र कुछ नहीं है, क्योंकि ज्ञान अगर सही ढंग से चले, सही रास्ता पे चले, मायावादी रास्ता में ना चले, तो आगे चलकर चित भावना का उन्मेष करने में सहयोग बने ज्ञान। और जिस ज्ञान में भगवान का साथ एक हो जाने का, भगवान और हम बराबर है, ये तो खतरा है। इस ज्ञान के बारे में कुछ गारंटी नहीं है, चाहे नरक में जाए का कहां भी चले जाए, क्या करे। नहीं ज्ञाने न सदृशम प्रवित्तमीय विद्वते, ये तो ठीक है, क्योंकि चित भावना का उन्मेष जागरण के लिए ज्ञान का जरूरी है। लेकिन ज्ञान का भी ग्रेड है, ज्ञान का भी बैकग्राउंड में सपोर्ट होनी चाहिए। क्या है, अगर प्योर गुरु वैष्णव है सपोर्ट भगवान भक्त, तो ठीक है। निर्विशेष ब्रह्मों का सहारे में चल रहे हो तो वो तो और ज्यादा खतरा। याद है ना भागवत का ये सब श्लोक, बहुत बार हमने चर्चा भगवान के कृपा से किए, गुरु वैष्णव के कृपा से। एवं गुरु पशुनिक भक्ता विद्या कुठरेन सितेन धीर विवृष जीवा संयमयम अप्रमत्व संवृष्ट आत्मन मथो तैजस्तम। अंतिम में हमको प्रेम में, प्रेम का बार में बहते जाना है। प्रेम का भार आया तो ज्ञान क्या करे। यशोदा मैया ज्ञान करे, अरे कृष्ण ऐसा है, फलाना है, हैं उद्धव समझा रहा है, उद्धव संवाद होने वाला है भगवान का कृपा से कार्तिक महीना में। उद्धव संवाद, उद्धव कह रहे हैं अरे फलाना है, कृष्ण ऐसा है, क्या क्यों रो रहे हो, क्या फायदा, अरे अरे सब ज्ञान दे के मैं क्या करूं, हैं कृष्ण मेरा है बच्चा, मैं कृष्ण का हूं, ये तो काफी है। ये ज्ञान से क्या, और जो वैष्णव कौन है, इससे भी प्रभुपाद जी का ये जो लिखना है, तुम्ही तो आमार आमी तो तुमार की काज अपरो धने, ये व्याख्या में ठाकुर जी का कृपा से लिखने के लिए मजबूर हो गया, मैंने लिखा। ये सेदुटी कथा भूलो ना सर्वथा, ये बहुत बार क्वेश्चन आया मेरे साथ, मेरा पास, महाराज ये जो प्रभुपाद जी लिखा है सेदुटी कथा भूलो ना सर्वथा, क्या दो बातें हैं। हम दो बातें कुछ नहीं है, इसका आगे नजर दो, इसका आगे क्या है, पहले सनातन को शिक्षा दे। प्रभु सनातने परम जतने, प्रभु सनातन को इतना केयरफुली इतना प्यार करके जो शिक्षा दिया, अब तो आ गया ना समाधान। अरे महाराज क्या समाधान आया इसमें, तो कुछ समाधान, अरे समाधान आया, तुम अंधा हो, तुम गुंगा हो, इसलिए समझ नहीं सकता। सनातन गोसाई को शिक्षा दिया का मतलब संबंध ज्ञान का परिपुष्टि। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, तुम ही तो आमार आमी तो तुम्हार की काज अपरोधने, भगवान हम क्या करें, तुम मेरा हो मैं तुम्हारा है, दूसरा संपत्ति में क्या करे, दो रोटी तो मिल ही जाता है। आई बात समझ में, ये सब गहरा विचार है, ये सब गहरा विचार है। ठीक है ज्ञान तो अच्छा ही है, लेकिन जब प्रेम आ गया तो ज्ञान क्या करे। क्या क्या गोपियों का ज्ञान नहीं है, क्या अनपढ़ है, जब भी वो विनम्र भाव से कह रही है, रो रही है,
अरे मथुरा में गया मथुरा नाथ, वहाँ कितना सारे एडुकेटेड सब है गोपी, अरे हम तो अनपढ़ है, ग्वालिनी है। सच पूछो तो राधा रानी, ललिता, विशाखा, मंजरी, ये लोगों से बढ़कर विद्वान कौन हो सकते, विदुषी, ये लोगों से बढ़कर कौन विदुषी है। कृष्ण का जो नॉलेज है वो राधा रानी से आई हुए, तो क्या कहना है ये सब विषय, ये सब टॉप सीक्रेट है, जहां तहां बोलने का क्या मकसद, क्या माने है। तो ज्ञान जो है, अगर प्रेम आ गया तो ज्ञान क्या करे। गोपी लोग, गोपी लोग का ज्ञान है, अगर ज्ञान नहीं है तत्व ज्ञान तो कैसे कह रही है गोपी गीता में, हैं? नखलु भवान हैं, ये जो श्लोक ये बताया बताई है ना, अखिल देही नाम अंतरात्मद्रिक। आप गोपी का जो लड़का है ये तो कहावत है, लेकिन हर जीवों का घट घट में परमात्मा रूप के आपका अधिष्ठान। क्या ये लोग का तत्व ज्ञान का कोई जानकारी है नहीं, क्या कमी है, फिर भी ये ना जानने का बराबर है। ये जान के मैं क्या करूं, नारायण के साथ भेंट करके मैं क्या क्या काम है। चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान बैठे हुए हैं, जो है ना एठा पेठा गांव में भागवत में है, अब क्या करें, ये नारायण है, हमारा कोई मतलब कब, चलो आगे चलो। तो ये जो प्रेम है, इसलिए भागवत का 11 स्कंध का जो श्लोक एवं गुरु पसनाई का भक्त्या विद्या कोठरेन सितेन, ये जो बताए ना, इसमें दिया हुआ है अपने को बंधन से छुड़ाओ, गुरु अनुगत्व में सेवा करो, प्रेम का बार आया है उसमें बहते चलो, और अंतिम में जिस कुठार, जिस कुठाराघात, जिस कुठाराघात से, जिस कुठाराघात से एक ज्ञान को उखाड़ के फेंक दिया, चलो ठीक है, लेकिन इसको वो फेंको, नहीं तो बाद में अहंकार आ सकता कि मैं ज्ञानी हूं, इसका भी जरूरी है नहीं। जैसे उठकाटर, कठुरिया, काट कटने वाले अपना हैक्स, अपना जो कुठार है इसे घचा घाच कटते रहते, धमाधम हो गया तो हाथ से उसको लेके और छोड़ दिया, ऐसा ही है। तो इसीलिए भगवान ने बताया, देखो ऐसा नहीं कि हमको विराट ज्ञानी बनना है, ये भला फलाना बनना है, कुछ नहीं है। अगर मैं गुरु वैष्णव, हमारा पास कुछ ज्ञान नहीं है, विद्वान नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, पैसा नहीं है, गरीब का लड़का हूँ, फिर भी चलेगा, कोई बात नहीं। ये सब चीज़ें जो है भगवत प्राप्ति के लिए कोई सहयोग नहीं कर सकता, कर भी सकता, कभी कभी है ये सब फेवरेबल हो सकता, अक्सर होता है नहीं फेवरेबल हो सकता, क्योंकि घुमंड आ जाता है। तो इसलिए भगवान ने एक रास्ता रख दिया, देखो जितना सारे तत्व बताया अर्जुन, ये भी हो सके किसी के पास तत्व ज्ञान नहीं है, कुछ जानते ने बेचारा है, अन्य तू एवं अजानंत श्रुत्या अन्यभ्यो उपासते, दूसरे से सुन लिया भगवान ऐसा है, भगवान का महिमा ऐसा है, इतना प्यारा है भगवान, हैं साम्रे से मिलने का सत्संग बहाना है ना, ब्रजवासी लोग गाते हैं, सबरी मैया कौन सी डिग्री हासिल की यूनिवर्सिटी में, तो भगवान राम खींच के आई, खींच के आए ना राम जी। तो ऐसा ही है, अन्य तु एवं अजानंतो श्रुत्या अन्येभ्यो उपासते ते योपि चाति तरंति एव मृत्युम श्रुति परायणः। ये श्रुति परायणः, ये बात को ध्यान देना, जिसका अंदर में उपदेश गुरु वैष्णव से उपदेश सुनने का पेशेंस ही नहीं है, हैं हियरिंग पेशेंस ही, हरि कथा सुनने के लिए फुल टेनासिटी, ट्रिमेंडस चाहत है अंदर में कि हरि कथा सुने। हमारा हरि कथा सुनना तो दूर की बात है, भागवत में लिखा हुआ है, ये हरि कथा का अनुमोदन किया, अप्रूव किया, अरे होनी चाहिए हरि कथा, इसका भी मंगल हो जाता। हरि कथा का व्यवस्था कर दिया वो तो दूर की बात है, वो तो बहुत है,
फिर भी अप्रूवल किया, चलो ठीक है हरि कथा करने दो, ये लोग करना चाहिए, इसका भी मंगल हो सकता है जो अप्रूव किया। इतना मंगल का बार आ गया, फिर भी मंगल लेने के लिए कोई इच्छा ही नहीं पैदा हुई, ऐसा पुअर कंडीशन। चतुर्दश अध्याय में भगवान का कहना है, परम भूयो प्रवक्षामि ज्ञानानं ज्ञानम उत्तमम जज ज्ञात्वा मुनयोः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गता। अर्जुन तुमको अभी मैं इतना सुंदर एक ज्ञान कर बारे में बता तब तक ज्ञान के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर कितना ऋषि मुनि ने अपना परम बेनिफिट को प्राप्त किया, परम सिद्धि परामुक्ति को प्राप्त किया। इतो गतः क्या कहना चाहते हो, इतना अध्याय सब बड़बड़ा के गया, इतना किया तो कुछ भी नहीं है? बोला हाँ तो किया है, फिर भी अभी जो कह रहा हूं ज्ञानम उत्तमम जज ज्ञात्वा, ये और भी बहरा है, इसको और भी एनालिटिकली मैं व्याख्या करना चाहूं। भक्तिविनोद ठाकुर का अपना अनुभव है, भक्तिविनोद ठाकुर का निजी अनुभव कह रहे हैं, भगवान भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं सप्तम अध्याय से लेकर द्वादश अध्याय तक परम तत्व का एकदम एकदम मार्केट खोल दिया समुदाय, क्या कुछ नहीं कह दिया ठाकुर जी। आर्य ज्ञान के द्वारा जिस प्रकार की भगवत तत्व स्वरूप उत्तम ज्ञान लब्ध होता है, प्राप्त होता है, ये पहले अर्जुन तुमको बोल दिया। जिस तत्व ज्ञान को प्राप्ति करके तमाम मुनि ऋषि जो है वशिष्ठों से लेकर जो भी है सारे सनकादि ऋषि ये सिद्धि प्राप्त हुआ, पर सिद्धि रूपा भक्ति ला, भक्तिमय ठाकुर का व्याख्या है, इसका व्याख्या दूसरा संप्रदाय दूसरा किया। भक्तिमय ठाकुर कह रहे पर सिद्धि परम एब्सोल्यूट सिद्धि का मतलब भक्ति सिद्धि, क्योंकि एब्सोल्यूट बोल के किसी और चीज को बोला नहीं जाएगा। एब्सोल्यूट ये शब्दों परासिद्धि बोलने का साथ साथ तुरंत ये समझनी चाहिए कि महाराज भक्ति छोड़ के तो और कोई ये सब, हाँ ठीक ही समझा भक्तिमय ठाकुर, इसको खुलासा कर दिया परासिद्धि रूपा भक्ति लाभ करके अपना आनंद की बार से बह गया। ये बात को अर्जुन तुम्हारा सामने मैं कहना चाहूं। आई बात समझ में? इसमें रहस्य है, क्या रहस्य है? पूर्व भगवान प्रीवियस चैप्टर में अध्याय में जावत संजायते 13 चैप्टर का 26 नंबर श्लोक जो है क्षेत्रो क्षेत्रज्ञ संयोग में कैसा स्थावर जंगम का उत्पत्ति प्रकृति का इनो ये जो प्रभाव है ये सब जारे में साइंटिफिक बैकग्राउंड बताया, सृष्टि का रहस्य के बारे में ईश्वर प्रकृति और जीवों का जो नियमन रेगुलेशन कैसे क्या होता है, इसका ईश्वर का कंट्रोलिंग पावर कैसा क्या है ये सब बताया। पूर्व अध्याय में कारणम गुणसंगो ये सब भी बताया है। अब ये गुणसंग सुनते आ रहा है, क्या है ये गुणसंग, ये क्या है गुणसंग तो समझ में नहीं आ रहा। गुणसंग का मतलब है प्रकृति अपना जो नचा रही है भूतों का माफी, जैसे भूत अंदर में प्रवेश करने से पिसाची पाइले जथा मतिच्छन्न होय मायाबद्ध जीवे रह से भाव उदय, कृष्णदास कविराज जो से बताए अंदर में भूत घुसने का बाद जो हालत पैदा होता है वो तो कहने का लायक नहीं है, ऐसा हालत है। एंड ये सब जो है ब्रह्मा से लेकर चेंटी तक एक भी कुछ जगह नहीं है जहां त्रिगुण का प्रभाव से मुक्ति मिल सकता है, नहीं है। इट इज वन काइंड ऑफ ओशन, मेटेरियल ओशन, गुण सागर
ये त्रिगुण का सागर है, सतरजतम गुण, ये भूतों का मापिक नचा रही है दुनिया को। जैसे भगवान कृष्ण को अर्जुन ने प्रश्न किया, अरे इच्छा नहीं है खराब काम करे महाराज, ना जाने कहां कहां से सब विचार आ जाता, अरे इच्छा नहीं है। अनिच्छन्नोपि वर्षयो बलादिपो नियोजितः, हु इज दैट अननोन फोर्स गोइंग टू एंगेज मी फोर्सफुली इन टू दिस काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। कौन है, कौन कौन सी एक क्षमता है, पावर है जो मेरे को ये सब घटिया काम में लगा, इच्छा नहीं है खराब काम करे। अरे तजब की बात है, हैरान की बात है, कोई इच्छा नहीं कि इस खाद, फिर भी अनिच्छन्नोपि वर्षयो बलादिपो नियोजितः। कौन एंगेज करता है जीवों को, हर जीव खराब है ऐसा तो नहीं है, पूर्व संस्कार के अनुसार भला बुरा का विचार हो रहा है, शुद्ध जीवात्मा में तो भला बुरा का विचार हो ही नहीं सकता क्योंकि चिन्मय है। जो भी है माया का प्रभाव के द्वारा अभी जो भूतों का मैं नच रहा है, ये नचा रहा है कौन, बोले त्रिगुण है, सतो रजो तम गुण। इसका बारे में खुल्ला में खुल्ला साइंटिफिक जानकारी चाहिए। जब अर्जुन ने पूछा कृष्ण को, ये बताओ, अच्छा ये बताओ कि इच्छा नहीं होते हुए भी किस लिए, कैसे कि एक अननोन फोर्स है कि जोर जबरदस्ती लगा देते खराब काम में, ये कौन है, कैसा है, इसका स्वरूप क्या है, ये बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया, भगवान श्री कृष्ण ने बताया, देखो काम एशो क्रोध एशो रजो गुणो समद भवः महासन महापपना विद्दिन मेनम वैर्य, अर्जुन ये तुम्हारा शत्रु है। काम एश क्रोध एश, काम क्रोध काम मतलब एंजॉयमेंट का मूड, और इसमें अगर धक्का आ गया, पूर्ति नहीं हो पाई, बस लग गया धमाका लग गया, तू तू मैं लड़ाई लग गया, बस तेरा बाकी मेरा बाकी हो गया लड़ाई बातों बातों में। आज साधु गुरु वैष्णव तो हंसते रहते, गुना गुणेश वर्तन्ते इति मत्या न सज्जते बुधा। वास्तव में विचारवान साधु जो है वो हंसते रहते हैं, चलो लड़ाई लग गया, ये देखते रहते गुना एक गुण और रजोगुण तमोगुण के साथ लड़ाई उड़ा है, और क्या, और नहीं तो क्या। जैसे समुन्द्र में लहर आते रहते हैं ना, एक लहर आए, लहर आने के बाद दूसरा एक लहर आए, वो लहर को एकदम चूर चूर करके अपना प्रभाव को विस्तार, पहले का लहर तो इतना तगड़ा नहीं, ये छोटा मोटा है, छोटा मोटा, और बाद में इतना बड़ा लहर आई, एकदम धक्का लगा के सब चूर चूर कर दिया। रजो का रजोगुण का साथ तमो का टक्कर होना, तमो का साथ रजो का टक्कर होना, सतोगुण का साथ रजोगुण का टक्कर होना, ये स्वाभाविक है, इट्स ए जनरल फेनोमेना। बस इतना ही काफी है, हम लोग अंधा है कि देख नहीं सकता। जिसका आंखें हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देखना शुरू कर दे, क्या रहस्य है, क्या रहस्य है, क्या दिखा लेके क्या किया, दिस इज हरिकथा, इस इज दिखा फुलिश, क्या किया दिखा लेके, हरे कृष्ण किया, इसमें आंखें खोल गया ना, ये दिखा है, वो दिखा तो है ही है, लेकिन ये असली दिखा हो रहा है। आंखें फड़ फड़ के देखो, किस हालत में गिरे हुए हो, किस हालत में मैं गिरा हुआ हूं, उठाने का कोशिश करे, यही है। तो ये जो क्षेत्र क्षेत्रों के बारे में बताया, जो कुछ भी है क्षेत्रों का विकार का बारे में बताया गया, सारे तरह तरह का विचार, लेकिन ये जो प्रकृति का ये जो प्रभाव, ये किसके, ये त्रिगुण के द्वारा, गुणसंग जिसका बारे में कपिल जी महाराज अपना मैया देवाहुति जी को बताए, संगो जो संसते रहतो हो असस्व विहितो धिया स एव सदुसु कृतः
मोक्षदारम अपावृतम। दो श्लोक से, दो श्लोक से एक एक करके लाइन बताया। संगो जो संसित रहते हो अशस्व विहित धिया स्वयव सदसुकृत है निस्संग ताय कल्पते। एक श्लोक हमने दो श्लोक का एक 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 लाइन लेके बनाया, सुंदर बड़ा मीनिंग जो है बड़ा। संगो जो संसित हेतु हो अशस्व विहित धिया स्वयव सदसुकृत मोक्षदारम अपावृतम। जो संगो कर रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, इधर उधर जा, टीवी देख रहे हो, फलाना खेला देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये गुण संग हो रहा है। स्पोर्ट्स देख रहे हो, स्पोर्ट्स कर रहे हो, तमाम तुम्हारा गुण संग हो रहा है। अरे महाराज जी क्या खराब है, ओलंपिक देख रहे हैं, अब देखो क्या बात है, हमारा क्या आता है जाता है, देखो हमारा सब तो आपका कोई रिश्ता नहीं है ना, हम तो किसी का अपना आदमी नहीं है, इसलिए इतना कड़ा बोलता है। करो अपना ही मर्जी, वर्ल्ड कप देखो, ये देखो, वो देखो, क्रिकेट देखो, देखते रहो, लेकिन याद करके रखना और गुण संग। दोज आर द प्लेयर्स, दोज आर द व्यूअर्स, दोज आर द हियर्स, है ना, हियर आर दोज हियरिंग, सब गुण संग कर रहे हैं, गुण संग कर रहा है, क्या करे। संगो जो संसित रहतो अशस्व भी तो दिया स्वयव सदसुकृत मोक्षदारम अपावृतम। ये मुक्ति, मुक्त का रास्ता जो है, ये जो साधु संग, ये जो संग कर रहा है, दुनियादारी का संग कर रहा है, तरह तरह का, कोई किताब कुत्ता बिल्ली लेकर बिस्तारा में सो गया, अरे कुत्ता तो अपना ही है, और तो ठीक ही है, अगले जन्म में कुत्ता बनना है ना, घर में कुत्ता रखा, आ टॉमी सो जाए, बिस्तारा में सो गया, कुत्ता को खिलाए, अपना सामने बैठ। जबकि शास्त्र में लिखा है कुत्ता देखे हुए, कुत्ता अगर देख ले वो खाना खा नहीं सकता। कोई मेटेरियल आदमी मेरा खाना देख ले वो तो खाना बंद हो गया। चलो एक बात तो जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ का उधर विशेष महिमा है, वो तो चले, नहीं तो कुत्ता के द्वारा दृष्ट, बिल्ली कुत्ता के द्वारा दृष्ट कोई चीज़ भोग नहीं लगेगा, भोग नहीं लगेगी, कोई जानता ही नहीं। तो गुणों संग कर रहा है, तो हम क्या करें, गुणों संग हो रहा है सबको, क्या करें। और ये जो गुणों संग है ये त्रिगुण का ही प्रभाव है। कबीर जी महाराज कह रहे हैं माता जी को, जो संगो दुनिया का वस्तु और व्यक्ति का साथ हो रहा है अक्सर, कि क्योंकि बिना संग कोई रह नहीं सकता, या तो बुरा संग करो या तो सत्संग करो, अरे बिना संग रह जाएगा हो ही नहीं सकता, कैसे रहोगे। ये निर्विशेष अवस्था, इम्पर्सनल कंडीशन, ये हो ही नहीं सकता। किसी का अगर मन है तो मन का साथ संग चलते ही रहेगा। हैं हमारा हिंदी में उत्तर प्रदेश में इधर एक बतावा एक कहावत है, जैसा अन्न ऐसा मन। ठीक है चलो, अन्न जो ले रहे हो खाना, मन कैसा हो इसका ऊपर डिपेंड जरूर, ठीक है। लेकिन माइंड का ऊपर जो असर पड़ता है खाना का, परिस्थिति का, ये कोई टाल नहीं सकता। ये साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट, मैं खुद ही हूँ। हरिकथा बोलने का पहले किसी मेटेरियल आदमी एकदम लोचार व्यक्ति के साथ अगर भेंट हो गया, बैस हो गया, अच्छा नहीं लगता, फिर पाखंडी अपराधी गुरु वैष्णव का, इसका साथ अगर मिलन हो गया, दर्शन हो गया बस हो गया छुट्टी। इसलिए बच के रहना भाई, बच के रहना। भजन इतना सस्ता चीज नहीं है, तो जितना ये जगत में रहते हुए किसी जीवात्मा का इतना हिम्मत नहीं है कि ये संगों के बिना रह जाए, या तो संगों के बिना कैसे रहे, बिना संग रह नहीं सकता, या तो बुरा संग करे या तो अच्छा संग करे, दोनों का बीच में कोई रास्ता है नहीं, कोई संग न करे हो ही नहीं सकता। माइंड है, माइंड कैन नेवर गो वैकेंट, एंड साइकियाट्रिस्ट जो बोलता है माइंड कभी खाली नहीं जाता, कुछ ना कुछ रहेगा। ये हो सकता यू कैन रिप्लेस
योर माइंड, माइंड को, माइंड के अंदर में जो बुरा चीज है उसको हटा के नया चीज भरो, ये हो सकता। जैसे गंगा में एक कलसी कलश पिचर जिसका अंदर में इतना दिनों से घर का पानी है, ठाकुर जी का पूजन का पानी है, बासी पुष्प है, तुलसी है, तमाम चीज को घड़ा में भरकर रख दी। गंगा में जब जाएंगे तो गंगा जी में, गंगा जी में ठाकुर जी का ये सब फूल तुलसी इसको डाल के फिर उसमें पानी भर के लाएंगे पूजा के लिए, ठीक है। अब घड़ा को गंगा में, घड़ा लेके गंगा में पहुंचे, पहुंचने के बाद क्या की, घड़ा को उल्टा कर दे, उल्टा उल्टा मतलब घड़ा का जो मुंह है, जो सीधा मुंह है उसको उल्टा कर दे। क्यों पर उल्टा कर, नहीं करने से कैसे निकल आए, दूषित दुर्गंध, दूषित जो चीज है वो आप अंदर से आएगी कैसे। उसके बाद जितना सारे पचा पानी है, जितना सारे इनो दूषित तुलसी सब की ए गंगा, गंगा में बहके चला गया। और कलसी को माजा, मिट्टी से मोला है तैयार किया फ्रेश, और फिर उल्टा बा क्या किया, अभी तो उल्टा कर दिया था वो सब जितना अंदर में दूषित चीज है उसको निकालने के लिए, अभी क्या करना है, उल्टा रखने से होगा क्या, अब ना मारा सीधा कर, पानी के अंदर में एक घड़ा को लेके जाओ और सीधा कर दो। सीधा करने से जितना सारे पानी, गंगा का निर्मल पानी है अंदर में जाएगी, जाने का बाद कलसी भर जाए। गुरु वैष्णव के पास जाने का साथ साथ ही ढोंक लगाते हैं दंडवत, मतलब अपना माथा का अंदर में जितना से दूषित दुर्गंध दूषित चीज है उसको सारे फेंक दो, और दंडवत करके जब उठोगे, मस्तिष्क को सीधा करोगे, जितना सारे भावना है, जितना सारे सद्भावना है, हैं सद्भावना आएगी अंदर में फुलफिल हो जाए। तो हम असत्संग भी नहीं करे, सत्संग भी नहीं करे, हो ही नहीं सकता, बीच में तो एक करना ही है, क्योंकि निर्विशेष अवस्था है, कुछ करेंगे नहीं, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए इतना विचार बना के देख लिया कपिल जी महाराज ने, माँ के भले महाराज संग तो होना ही है, मैया गौतम संग तो होना ही है, एकमात्र जो एकदम डुबकी लगाया प्रेम की सागर में, भजन की सागर में, वो बाहरी दृष्टा में जो हमारा बृहद भगवत अमृत में चर्चा हो रही है अभी, हैं कृष्ण भक्ति सुधा पानात देहो दैहिको विसृते तेसाम पांचभौतिक देहोपि सच्चिदानंद रूपत, ये बताना जिसका अंदर में बॉडी शरीर और शरीर का साथ जुड़ा हुआ कोई संबंध नहीं गया, कोई होश नहीं, बस प्रेम के सागर में तैर रहे, उसका लिए तो ये एप्लीकेबल जरूर नहीं है, ये एप्लीकेबल जो है साधारण आदमी के लिए। तो इसका बारे में चर्चा करते हुए भगवान ने ये बताए कि हम अभी तुमको अर्जुन ऐसा ज्ञान का, तत्व ज्ञान का एक विचार बता रहा हूं, जिसको जानने का बाद ऋषि मुनि सब कि तो कृतार्थ हो गए, तुम भी सुनो, चलो ठीक है। और संगो कैसे होता है, गुण संगो कैसे होता है, गुण संगो क्या है, गुण संगो क्या चीज है, गुण संगो कैसे होता है, कैसे तोड़ा जाए गुण संगो, ये सब तो, ये सब यू नो, ये तो समझना जरूरी है। गुण संगो का लक्षण क्या है, गुण संगो तरह तरह का गुण संग हो सकता है, वेराइटीज ऑफ गुण संगो, किसका कौन स्थिति है कौन जाने, कैसे कैसे बचने का रास्ता क्या है, बचने का क्या रास्ता है, ये सब जो महिमा है अभी भगवान कहने के लिए तैयार हो गया। भगवान क्या चीज है, प्रकृति क्या चीज है, क्षेत्रों क्षेत्रों को क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, क्या मैजिक स्पेल है, तमाम बता दिया, ठीक है। चलो अभी ये गुणसंग का बारे में, गुणसंग कैसा है, कैसे तोड़ा जाए, इसको क्या है, क्या क्या काम है इसका, ये सारे चीज गुणसंग कैसे क्या होता है, बंधन कैसे होता है इसके, इससे इसका रिजल्ट क्या है, व्हाट इज द आउटकम, सारे बताए। चलो अभी बताए, दूसरा श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन इदम ज्ञानम उपाश्रितो
ममो सद्धर्म मागता स्वर्गी ओपी नो उपो जायन्ते प्रलय प्रलय न व्यथंती च। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं भगवान। इदम ज्ञानम उपाश्रित्व, ये ज्ञान का उपाश्रित्व में आश्रय ग्रहण करके अंतर से, इदम ज्ञानम उपाश्रित्व ममो साधर्म मागता, मेमा मेरा जो धर्म है इसको प्राप्त करता है। इसका माने क्या है, व्हाट इज द इनर मीनिंग। मायावादी लोग तरह तरह का व्याख्या करे, कोर्मी लोग तरह तरह का व्याख्या करे, ये तो व्याख्या करते ही रहेगा। क्योंकि जो जिस स्थिति में है, जो जिस प्लेटफॉर्म में है, उस प्लेटफॉर्म से उस अपना एंगल से व्याख्या करते रहेगा, कौन रुकेगा। अरविंदो ऋषि अरविंद एक व्याख्या करेगा, महात्मा गांधी एक व्याख्या करे, वल्लभ भाई पटेल व्याख्या करे, हैं हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने व्याख्या करे, तो अपना अपना हिसाब से व्याख्या करते रहे, तो हमको क्या आता जाता है, खूब करो। लेकिन हम सब कुछ मतलब नहीं, ये लोगों से कोई मतलब नहीं। हमको जानना है क्या विश्वनाथ चतुर्दिव कहना चाहता है, भगवान का निजी जन विश्वनाथ चतुर्दिव बलदेव विद्याभूषण भक्तिविनोद ठाकुर सिद्ध स्वामीपाद, ये लोग क्या कहना चाहते हैं। हमारा कोई मतलब नहीं है ये लोग क्या कहना चाहते हैं। मायावादी क्या करे हम ये सब सुन के। गीता ऐसा है, एक यूनिवर्सल शास्त्र है। गीता इज वन काइंड ऑफ यूनिवर्सल शास्त्र। इफ दे वांट सो दे कैन एक्सेप्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल इन डिफरेंट वे। क्या करे, गीता का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है भगवान किया है को तरह तरह का विचार बनाया आदमी कि भगवान ने क्या एक्चुअली कहा, ये समझने का हिम्मत किसका अंदर में है जो भगवान का निजी जन है। सो करने दो व्याख्या, करे चूल्हे में जाए क्या करे। भगवान कह रहे हैं कि इदम ज्ञानम उपाश्रितो ममो साधर्म मागता, मेरा समान धर्म आ जाता है इसका अंदर में, जो ये बहुत केयरफुली एक ज्ञान को अपनाता है जिंदगी में। ए सर्गे ओपी माने सर्गे मतलब सृष्टि, विश्व सर्ग विसर्ग से जो श्लोक है ना दशविध लक्षण भागवत में है ना। स्वर्ग मतलब सृष्टि, ठीक है चलो, हमारा स्वर्ग का मतलब आई हेवन लेकिन स्वर्ग का मतलब इना मीनिंग है सृष्टि। दशविध लक्षण है ना भगवान का अद्वैत ज्ञान तत्व का, कोई सुना ही नहीं तो क्या करे सुना ही नहीं, आसमान से गिरता है क्या बोल रहा है महाराज, क्या लिखा है, आसमान से गिर रहा है क्या करे हम अब हम क्या करें, जिंदगी छोटा है, समय भी अल्प है, मैं जैसा नालायक हूँ कहाँ तक करे विचार करें। स्वर्ग ओपी नोपजानते, ये जब सृष्टि का समय आएगी इस समय भी इसका जन्म लेने का दरकार नहीं है, और प्रलय हो जाए तो अभी प्रलय में भी इसका कोई मृत्यु यंत्रणा होने का कोई सवाल ही नहीं है, सवालत नहीं है कुछ। अच्छा ऐसा बात है, यहाँ ऐसा ही है। इदम ज्ञानम उपाश्रितो ममो साधर्म मागता स्वर्गी ओपी नोपजयंते प्रलये न व्यथंती च। प्रलय का समय भी इसका पेनफुल सिचुएशन का कोई सवाल ही नहीं है, ठाकुर जी का अनुभव है, भक्तिमय ठाकुर जी का। भक्तिमय कह रहे हैं ये ज्ञान, ज्ञान ये जो शब्द है ज्ञान, इसका सामान्यतः इन जनरल इसका व्याख्या किया जाए तो जरूर ये कहे कि ज्ञान ज्ञान निर्मल ज्ञान, ये तो अलग बात है। जब हम कहे विमल ज्ञान निर्मल ज्ञान, वो तो शब्दों का ताकत जो है अलग है, लेकिन जब ज्ञान ये शब्द यूज करे तो एक ज्ञान शब्दों
उच्चारण करने का साथ साथ ये समझो इट इज कंटामिनेटेड विथ सम मेटेरियल इन्फ्लुएंस, सतरजतम गुण का प्रभाव जरूर इसमें कुछ ना कुछ होगा ही। इट्स वन कैन एडमिक्सचर, एडजस्टेड मिक्सचर। अब एडजस्टेड मिक्सचर कैसे क्या हो, आपका हृदय में ज्ञान का एडजस्टमेंट कैसा हो सकता, मेरा अंदर में, किसी का अंदर में, इट डिपेंड्स अपॉन द बैकग्राउंड संस्कार। ठाकुर जी कह रहे हैं भक्तिमान ठाकुर जी, ज्ञान ये सामान्यतः इन जनरल इफ यू स्पीक दिस वर्ड ज्ञान, ये सगुण है, ये गुण का साथ मिलावटी जरूर है। निर्गुण ज्ञान जो है, विमल ज्ञान, निर्मल ज्ञान, ये उत्तम ज्ञान बोला जाता है। बाकी ज्ञान को उत्तम ज्ञान, हर ज्ञान को ना ना ना, ये कभी नहीं बोला जाएगा। ये निर्गुण ज्ञान को आश्रय करने से, ये जो निर्गुण ज्ञान है, निर्मल ज्ञान है, ये निर्मूल ज्ञान को आश्रय करने से, विमल ज्ञान को, जीव हमारा साधर्म प्राप्त होता है। अब इसका माने क्या हो सकता है, ये जो साधर्म बताया, मायावादी लोग तो एकदम खुल के डकाती किया, उल्टा व्याख्या किया, लेकिन हमारा भक्तिविनोद ठाकुर जी, भगवान का निजी जन कमल मंजूरी, देखो इसका किस्सा सुंदर, हम तो एकदम आनंद में छल पड़े। अरे इसका व्याख्या कितना आदमी किया है, विजय राघव ने किया है, ये किया है, वो किया, अलग अलग सब व्याख्या किए, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जो व्याख्या किया, हैरान हो जाओगे, इतना सुंदर व्याख्या की। क्या साधर्म मतलब, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मानो कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन अष्टगुण युक्तता, यू कैन गेट 8 qualities, मतलब योगिक विभूति का जो गुण है ये प्राप्त, जब ऐसे करे तो इस अनिमा लोगिमा प्रकामा कामो, ये सब जो है अष्टगुण युक्तता, मेरा साधर्म, मेरा बराबरी का मतलब ये नहीं कि ये शुरू कर दे रासलीला, ये शुरू कर दिया क्रिएशन, विश्व सृष्टि करना शुरू कर, ये नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बोला इसका माने है, साधर्म का मतलब है ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद इसी अवस्था में, इसी प्लेटफॉर्म में जाए जिसमें अष्टगुण युक्तता है, लाभ कर लेता है। चलो ठीक है, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जड़ो बुद्धि वाले मेटेरियल आदमी कुछ और समझता है, मेटेरियल आदमी जो जड़ बुद्धि वाले इसका अलग समझता है, दूसरा अर्थ जड़ बुद्धि वाले नरगण ये समझते हैं जे प्राकृत धर्मों और प्राकृत रूप और प्राकृत अवस्था ये सब अगर हम त्याग करने में समर्थ हो, जैव धर्मों रूप शून्य अवस्था हम पहुंच सकता है। जड़ो बुद्धि वाले का कहना है ये मेटेरियल जगत में जितना सारे स्पेशलिटी है, ईच एंड एवरी आइटम धर्मो सब्ट्रैक्ट, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बोले कोई भी एक आइटम इसका एक विशेष है ना, ये मेटेरियल जगत में जितना सारे स्पेशलिटी विशेष है, हर वस्तु व्यक्ति का अपना एक धर्म है, वस्तु धर्म, नॉट स्पिरिचुअल धर्म, फुलिश। ये प्राकृत रूप गुण जो कुछ भी है ये एक स्पेशलिटी है, तो है ही एक विशेष है, और इससे अगर हम छुटकारा मिलना चाहे तो रूप गुण शून्य अवस्था में पहुंच जाए ये सबसे अच्छा है, पर नहीं, ये लोग समझता नहीं है, ये सोचते कि ये मेटेरियल जगत में जितना सारे विशेष है, हर वस्तु व्यक्ति का जो स्पेशलिटी है, ये लोग सोचते हैं कि ये अपराकी जगत में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। जबकि बार बार प्रपात का ये कहना है दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, अपराकी जगत का ये विकृत प्रतिफलन है,
ये प्राकृत जगत में इतना विशेष है, स्पेशलिटी है, रंग रूप रस का स्पेशलिटी है, शेप एंड डिजाइन का है, इसका मतलब ये मत समझो, इसका मतलब ये मत समझो, इसका मतलब ये मत समझो कि अप्राकृत जगत में कोई विशेष नहीं है। ये गलत है, सरासर गलत है। अप्राकृत जगत में भी विशेष है, अप्राकृत विशेष, या मेटेरियल विशेष है, अप्राकृत विशेष है। वो वहां भी तरह तरह का यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, वो तो है ही है। ये जो विशेष है, ये जो विशेष के द्वारा अप्राकृत धर्म, अप्राकृत रूप, अप्राकृत अवस्था, अप्राकृत स्टेटस सब कुछ है। और इसी को शास्त्र में निर्गुण सात धर्म बताया गया। इसको उल्टा व्याख्या करना ठीक नहीं है। निर्गुण सात धर्मो अर्थात भगवान निर्गुण अवस्था में है और भक्तों भी निर्गुण अवस्था में है। और खैर चलो, ये जो अष्ट सिद्धि हो तो ये तो चाहता ही नहीं है, ये अष्ट गुण युक्त जो है ये तो चाहता ही नहीं है भक्तों, ये चाहता ही नहीं, इसको याद ही नहीं रहता कि मेरा क्या है नहीं है, तो इसका असर तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लोग भक्तों लोग चाहता ही नहीं, तो आने से भी क्या है, जाने से भी क्या है, भगवान ये भक्तों लोग का कोई इच्छा ही नहीं है। तो ये जो है सात धर्मों का ये व्याख्या जो है और ज़्यादा है ना साइंटिफिक है, कि मानो कि भगवान कहना चाहता है कि हम निर्गुण अवस्था में हैं और भक्तों लोग की सात धर्म मतलब निर्गुण ब्रह्म अवस्था में पहुंचे, ये अच्छा है। एवं ये लाभ करने के बाद अप्राकृतो जो गुण सकल जो है गुणावली है, जैसे वैष्णव का अंदर में 26 गुणावली है ना, ब्राह्मण का 12 गुणावली है, समो दमो शौच सरलता अर्जव आदि सारे वैष्णव का अंदर में 26 गुणावली का व्याख्या ये विचार करके दिखाया भी है, ये वैष्णव के है वो निकाल रहा है किताब, उसका अंदर में ठाकुर जी का कृपा से व्याख्या करके दिखा है महाजनों का अनुगत्य में। ये निर्गुण ब्रह्म अवस्था जो अप्राकृत अवस्था, इसमें अप्राकृत अवस्था में अप्राकृत गुणावली है, अप्राकृत अवस्था में प्राकृत गुणावली है। क्या बामन गुस्सी महाराज या कोई गुरु वैष्णव जो भक्ति बोध पूरी गुस्सी महाराज, ये लोगों का अंदर में जो क्वालिटीज है गुणावली है, क्या या ये ऐसा गुणावली क्या हम मेटेरियल जगत का किसी आदमी का साथ तुलना कर सकता? अब महाराज भक्ति बोध पूरी गुस्से इतना ट्रैंक्विल है, शांत है, ऐसा माफी हमारा भी इलाका में एक आदमी है, ये गलत है, ये गलत है, अपराध है कि गुरु वैष्णव का अंदर में जो अप्राकृत गुणावली है दैट कैन नेवर बी कंपेयर्ड विद एनी क्वालिटी एट ऑल इफ विजिबल इन एनी पर्सन। कोई आदमी के अंदर में ऐसा गुणावली अगर दिखाई पड़ता, ये जरूर समझ के रखना, ये जो इसका अंदर में जो गुणावली है ये ठीक है, एक जैसा लगता है, बस फिर भी ये मेटेरियल गुणावली है। हर एक ही गुणावली श्रील बामन गुस्सी महाराज का अंदर में मैंने देखा है, ये एक ही गुणावली बाहरी दृष्टि में लगता है, लेकिन ये एब्सोल्यूट गुणावली है गुरु वैष्णव का और उसका प्राकृत गुणावली। आई बात समझ में? ये इसका एक ही गुणावली लगता है बाहरी दृष्टि में, एक जैसा लगता है ना, फिर भी एक नहीं है। उद्धव महाराज जी का जो डिटैचमेंट है विषय से, भूमि में शयन करना, तीर्थ में तीर्थाटन में जाना, जैसे तैसे रह लेना, कुछ भी मिले तो खाए, क्या इसका साथ हमारा किसी और का कंपटीशन हो सकता है क्या? गौर किशोर बाबूजी महाराज का जितना सारे डिटैचमेंट है, कोई किसी पखंडी ने गौर किशोर बाबूजी महाराज के साथ कंपटीशन शुरू किया और आम आदमी को बोलना शुरू कर, अरे उसका वैराग्य क्या है, अब मेरा वैराग्य देखो, मैं को मुर्दा का जो स्काल है उसमें पानी पीता हूँ, वो खाता है क्या, पानी पीता है, हैं? और देखो मेरा वैराग्य। तो ये पखंडी है, ये हो ही नहीं सकता। तो गुरु वैष्णव का अंदर में जो गुणावली है
that can never be compared with any person. किसी जड़ जगत का आदमी के अंदर में ऐसा गुणावली का अगर दिखाई पड़ा बाहरी दृष्टि में एक जैसा, still I cannot compare. कि अपराध है, ये अपराकित गुणावली है, प्राकृत गुणावली है. भगवान कह रहे हैं कि देखो ये निर्गुण अवस्था में पहुंचने के बाद ऐसा स्थिति बन जाता है कि इसका जन्म लेने का कोई बात ही नहीं, क्योंकि चिन्मय हो गया. मेटेरियल जगत में जितना सारे जन्म कर्म है सब मेटेरियल है ना, और जन्म कर्म का बाहर चले. सृष्टि समय में इस जड़ जगत में और जन्म लेने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि ये तो निर्गुण अवस्था में पहुंच गया है. जितना सारे नियम निष्ठा है, जितना रूल्स एंड रेगुलेशन है, जितना उपवास तपस्या है, कुछ भी है, सारे किस लिए, किस निर्गुण अवस्था में पहुंचने के लिए. ये अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, चाहे सालों भर मैंने हरि कथा सुना, क्या फायदा हो सकता है. चलते चले, अरे ये भी चले वो भी चले, हो गया, कैसे होगा, सब सहजिया है. भगवान कह रहे हैं कि चलो ये तो इसका जन्म लेने का कोई सवाल ही नहीं है, और ये प्रलय के समय में इसको इसका दिल दुखने का कोई बात ही नहीं है. ये कैसे दुखेगा, कुछ नहीं है. ये ऐसा स्थिति में पहुंच जाए कि ये और सवाल ही नहीं है, ये और कष्ट भोगने का कोई बात ही नहीं है. और कष्ट भोगने का कोई बात ही नहीं है, क्या काम कष्ट भोग. इसीलिए देखो ये वेदों का एक ऋचा है, ऋग उपनिषद का, ऋग्वेद का, उपनिषद का भी ऐसा है थोड़ा बहुत, पर ये ऋग्वेद का है. तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सुरयो दिव्यो चक्षुरातम. इसमें क्या विशेष है, हम तो रोज कहते रहते हैं महाराज, इसमें क्या माने हैं, ये समझा ही नहीं, रोज कहते रहते हैं पागल का माफी. तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सुरयो दिव्यो, ये कहते रहते क्या माने हैं, इसका माने क्या है, ये माने क्या है, इस श्लोक का जो था इसका क्या तालुकात है. कहने का मतलब है ये तद विष्णु परमम पदम, विष्णु का परम पद जो है ये तो परम पद है, और ये पद को देखने वाले जो हैं, मतलब जो निर्गुण अवस्था में पहुंचा हुआ गुरु वैष्णव साधु सन्यासी है, साधु ऋषि मुनि, ये विष्णु चरण को एकदम टकटकी लगा कर देखते रहते हैं. इसका दर्शन में कोई इंटरप्शन नहीं है, दे कैन क्लियरली सी अनइंटरप्टेड दर्शन, नॉन स्टॉप दर्शन. ये दर्शन में ये नहीं कि महाराज सुबह में दो घंटा दर्शन किया था विष्णु चरण अभी छोड़ दिया, ऐसा नहीं है. सिद्ध महात्मा ऐसा नहीं बोला जाए, अरे ये महाराज सिद्ध महात्मा है, ये बोलने से होगा नहीं, बोलने से होता नहीं, ये सब विचार है, सब बुर्वक है, पागल है. को विचार करने वाला कहाँ गया, कहाँ गया विचार करने वाला गुरु वैष्णव, अब सब धोखाबाजी चल रहा है. चलो कौन बोलेगा, यहाँ धोखाबाजी है, यहाँ मत जा, इधर जा, इधर जा, इधर जाने से ठीक मिले, कौन बोलेगा. सब धीरे धीरे गुरु वैष्णव जाते रहा है पूरा, अब बचाने वाला कौन नहीं रहा, कौन बचाएगा, एक थप्पर लगा के बचाए मेरे को, प्रेम का थप्पर, कोई नहीं रहेगा, मरने दे, हमारा क्या आता जाता है, ठीक ही तो हमारा क्या आता है. अरे साधु अगर ऐसा बोले तो कैसा साधु है, साधु अगर ऐसा कहे मरने दे चूल्हे में जाए, मेरा क्या आता जाता है. अब तुम तो साधु कैसे हो, तो फिर दुनिया का दुख से दुखी बन जाता है, अपना तो कुछ दुख सुख है ही नहीं. बड़ा विचार वाला बात है. तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सुरयो दिव्यो, ये बात किसने उठाया, महामान्य हमारा बलदेव विद्यावसन जी, भक्ति राज्य में कितना सुंदर विचार है इसका. बलदेव विद्यावसन ने ये बात को उठाया, ये तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सुरयो दिव्यो चक्षुरातम, ये बात को समझने का कोशिश करो.
दर्शन दृष्टा, दर्शन नामक जो क्रिया, दृष्टा अदृश्य, जब एक प्लेटफॉर्म में जब तक ना आए तब ये बात कहना संभव नहीं है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? दृष्टा जो दर्शन करने वाले, दर्शन नामक क्रिया, और जो दृश्यमान जो वस्तु दृश्य, तीनों अगर एक प्लेटफॉर्म में ना आए, ऊंचा नीचा भाव रहे, तो हो गया कमाल की बात, उल्टा हो जाए। बलदेव विद्यावसन जी का कहने का मतलब है, जो सूरी दिव्य सूरी, दिव्य सूरी मतलब, दिव्य सूरी का मतलब दिव्य महाजन, जे लोग हर भगत तत्व ज्ञान का दर्शन करते रहते हैं, भगवान का चरण कमल का दर्शन करते रहते हैं, अनइंटरप्टेड दर्शन, नॉन स्टॉप दर्शन, कोई दर्शन का क्रिया में कोई छेद नहीं है, ये दर्शन का क्रिया में कोई छेद नहीं है महाराज, ये कंटिन्यूअस दर्शन, यही तो भक्ति। भगवान को भूल गया, भक्ति भूल गया, क्या गुरु वैष्णव कौन है भूल गया, याद नहीं, ये क्या भक्ति है क्या? इसको भक्ति माना जाएगा क्या? इसीलिए इस श्लोक में ऐसा सुंदर विचार आया, जे अपना निर्गुण अवस्था में गुरु वैष्णव जो है भगवान का चरण कमल का हर वक्त दर्शन करते रहे, ये लोग का सेकंड कोई टारगेट है नहीं। और जितना सारे डर की बात है, घबराहट, जितना सारे घबराने का बात है, तमाम माया का असर है। भयम द्वितीय विनिवेश ईशात अपतस्व विपर्जय अश्रुति, यू फॉरगेट कौन गुरु वैष्णव है। अरे महाराज अब गया था, मिला था महाराज जी से, अब भूल गया, याद नहीं, बस यही तो दर्शन है, यही भक्ति है। भूलने का चेष्टा करने का बावजूद भूल नहीं पाता, यही तो असली बात है, यही तो सिद्धि है। मैं भूलना चाहता हूं, भूल नहीं पाता। गोपियों ने कह दिया हम लोग भूलना चाहता है, भूल नहीं पाता। संगो स्मृति, इतना सुंदर कथा हरिकथा हो सकता है, इस संगो स्मृति, ये दोनों टॉपिक्स को लेकर हैरान हो जाओगे, पागल हो जाओगे। जहां संगो है, प्रीति है, तहां स्मृति जरूर रहे। जहां प्रीति नहीं है, स्मृति का कोई सवाल ही नहीं है। अपना बच्चा को मैया इतना प्यार करती है, और हर वक्त इसका इतना टेंशन है, कब कहाँ दूध पिलानी है, पिलाना है, तब क्या क्या करना है, पानी पिला, सब एकदम लाइक रूटीन, इतना केयरफुल है। क्यों? क्योंकि इसका साथ प्रेम है, प्रीति है। हमारा अंदर में भगवान का प्रीति नहीं है, बलदास जी महाराज का प्रीति नहीं है, तो हरि कथा बोलने बैठे तो क्या बताए, मेटेरियल बातें बताएंगे ना। अगर स्थिति है तो कंटिन्यूअसली ये हरि कथा छोड़ो, दूसरा हरि कथा शुरू करो, दूसरा हरि कथा छोड़ो, अरे छोड़ो, हरि कथा बंद करने का कोई सवाल ही नहीं है। हरि कथा चल रहा है, अंतरात्मा में चल रहा है, नॉन स्टॉप हरि कथा, नॉन स्टॉप हरि कथा। क्या ये नहीं कि 2 घंटा सुना था महाराज, ऐसा नहीं है, निरंतर हरि कथा कीर्तन। महाप्रभु जी ने बताया कीर्तनियो सदा हरि, महाप्रभु जी ने ये बता नहीं कि आज सो जाओ आराम से 8 घंटा, एसी चला दो सो जाओ 8 घंटा, उसका बाद, महाप्रभु जी ने ये नहीं बताए, सब मूर्ख है। महाप्रभु जी ने बताया कीर्तनियो सदा हरि, सदा मीन कंटिन्यूस नॉन स्टॉप, सो लॉन्ग एज यू आर गोइंग टू लिव ऑन दिस अर्थ एंड इवन आफ्टर लिविंग दिस बॉडी, योर ओनली ड्यूटी इज टू डू हरिनाम संकीर्तन, कोई दूसरा कोई ड्यूटी नहीं है। हमारा गौड़ीय वैष्णव का, और ओपनली कहो तो पूरे तमाम जीवात्मा का एक ही काम है, हरि कीर्तन, हरि कीर्तन, और दूसरा काम नहीं है, नहीं, एक ही है। प्रभुपाद जी ने कहा ये सब बात समझे, कौन समझे हैं? ये सब बात कौन समझे, कैसे समझे? तो ये जो तद्विष्णु परम पद सदा पश्यन्ति सूर्यो दिव्यो चक्षु, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब है
निर्गुण अवस्था में पहुंचा हुआ संत जो महात्मा है, ऋषि मुनि है, इन लोगों के लिए इज एप्लीकेबल फॉर देम। ये लोगों के लिए कोई आम आदमी ये नहीं बोल सकता, बोलना संभव नहीं। हर वक्त भगवान का स्मृति, अविस्मृत कृष्ण पदारविंदयोर खिनोति अभद्राणी च संतनोति शतस्व शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञानंच विज्ञान विराग युक्तम। कई सारे श्लोक का चर्चा होनी चाहिए इसको समझने के लिए। भक्तिमन ठाकुर का जो निजी जन का व्याख्या जो है, ये सो बड़ा कमाल की व्याख्या है, समझा, ठाकुर जी का कृपा से। और अगले हफ्ता जाके ये व्याख्या डिटेल्स व्याख्या हो सकता, अभी तो नहीं, समय नहीं बचेगी। आगे वाला श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को, अर्जुन ममो जनेर महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधामी अहम संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। गुणसंग का बारे में थोड़ा बहुत, थोड़ा पहले चर्चा हुआ ना, थोड़ा बहुत हो रहा था ना। कपिल जी महाराज कह रहे ये संग के बिना कोई रह नहीं सकता, या तो साधु संग करो, संत संग करो, और नहीं तो असत्संग करो, दोनों का बीच में कुछ नहीं है, असंग होना ही है। जीव के अंदर में इतना पावर है नहीं कि ही कैन रिमेन एब्सेंट, इसका अंदर में असत्संग का एब्सेंट हो ही नहीं सकता, संग होगा ही, या तो सत या तो असत है। भगवान कह रहे हैं हे भारत वंशीय श्रेष्ठो अर्जुन, ये प्रकृति है, ये मेरा जोनी है, गर्भधान गर्भ आधान का स्थान है, द प्रॉपर प्लेस वेर आई कैन गिव यू नो आधान कर सकता है। जैसे बायोलॉजिकल साइंस में जायगोट फॉर्मेशन होता है, जायगोट फॉर्मेशन होता है ओवरी का साथ फर्टिलाइजेशन होने का बाद स्पर्म का। भगवान का ऐसा मेटेरियल कंसेप्शन मत लाओ, यहाँ तक कि ये विचार करने में थोड़ा बहुत गलती हो जाए, मेटेरियल कंसेप्शन हो जाए, सत्यानाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। भगवान का जन्म कर्म ऐसा नहीं है, इसलिए भगवान बार बार बताए गीता में जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्व तो बताया ना, आज भी तो बलदाव जी महाराज का आविर्भाव है, आगे चल के कृष्ण भगवान का है, आगे चल के और राधा रानी का तो चलते ही रहे, यह अप्राकृत आविर्भाव है, ये कोई मेटेरियल जगत का जो ऐसे ये खून पसीना का जो कंसेप्शन है, कैसे बच्चा का वो जो जन्म लेना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा सोचो समझो, ध्यान से भी ऐसा नहीं लाना, सपने में भी ऐसा नहीं लाना, अगर लाओगी लाओगे तो अपराध हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कैसा है तो फिर इस बारे में अगले हफ्ता चर्चा हो पाएगा डिटेल्स, आज इतना तक सुन लो कि ममो जनेर महत ब्रह्मो तस्मिन, तस्मिन मिन सप्तमी विभक्ति सेवेंथ के सन्निंग, तस्मिन मेरा जनेर महत ब्रह्म तस्मिन इसी गर्भ में मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। आगे चल के भगवान बताए पिता मैं हूं, अहम यहां तो बताए इतना, ममो जनेर महत ब्रह्मो तस्मिन गर्भम दधामी अहम, गर्भों का आधान करना मेरा काम, मैं कर देता हूं प्रकृति के गर्भ में। और संभव सर्वभूतानाम, इतना जीवों का जो उत्पत्ति है लय है सब जो चलते चल 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 रहा है, भगवान कह रहे संभव हो सर्वभूतानाम, कोई भी जीव देखो, ये जो संभव हो सर्वभूतानाम तमाम जीवों का जो उत्पत्ति लय हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, मैं पहले मैं मेरा मम जुनिर महत ब्रह्मो इसमें मैं बीच आधान कर दी,
उसका बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, उसका बाद जितना सारे जीव मानव जितना सारे चीजों का उत्पत्ति है हो रहा है। आई बात समझ में? ममो जनेर महत ब्रह्मो तस्मिन गर्भम दधाम्यहम संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारतः। ये दुनिया का जो उत्पत्ति है उत्पत्ति का पीछे ये राज है अर्जुन, मैं गर्भ में बीज आधान कर दी और आगे चलकर प्रकृति का अपना कोई क्षमता है नहीं, जड़ा प्रकृति। भक्तिमन ठाकुर भी यही बात कह रहे हैं, भक्तिमन ठाकुर हमारा ठाकुर जी भक्तिमन ठाकुर यही बात कर रहे हैं कि जड़ा प्रकृति मूल तत्व ये जगत का लिए इट इज लाइक मदर एंड भेजाइना मातृजोनी का बराबर। एर मैं ये जगत जोनी अर्थात प्रधान संग क्योंकि निमित्तो प्रकृति दो किस्म का, एक माया है प्रकृति और प्रधान है, प्रधान मीन मैटर है, ये जगत जोनी तो है ही है और उसका बाद प्रधान संगक मैटर है, उसका क्वागुलेशन होना शुरू कर देगा फॉर्मेशन है। मैं जगत का जनी जो है प्रधान संगक जो गर्भ है जो ब्रह्म है इसमें बीज आधान करके, बीज आधान मतलब इसका व्याख्या आगे हो पाए, जितना सारे पूर्व कल्प का जितना सारे तमाम जीव है अनंत जीव, ये सब जीव अपना अपना कर्मफल के अनुसार महाविष्णु अपना दृष्टि के द्वारा तमाम ये सब बीज को प्रकृति के गर्भ में दे देता है। इसका बारे में अगले हफ्ता चर्चा हो पाएगा बड़ा सुंदर ढंग से ये कैसे संभव है, और आगे चल के समझेंगे जो ये क्यों भगवान ऐसा बताएं कि ये तत्व ज्ञान अर्जुन प्राप्त करने का बाद आनंद ही आनंद सद्धर्म मागता चित अवस्था चिन्मय अवस्था में पहुंच जाएंगे। ममो जनेर महत ब्रह्मो तस्मिन गर्भम दधाम्यहम संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। आई बात जानोश कृष्णाद विमुखोश दैवाद अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाये हो चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनादनस्य वाञ्छाकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जलो बलदाजी महाराज की जय हो। तदीयाविर्भाव तिथि परा महामहोत्सव किया जय हो। सपा सब बलदाजी महाराज गौर प्रेमानंद।